Hey friends, welcome back to my kitchen. आज हम बनाएंगे ब्रेड पुडिंग. चलिए देखते हैं ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किया है. सबसे पहले मैंने 6 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं, 1.5 कप चीनी लिया है, 1 चम्मच घी लिया है, 3 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, 1.5 कप दूध लिया है और कस्टर्ड पाउडर लिया है. तो सबसे पहले हम ब्रेड के किनारों को काट लेंगे बिल्कुल इस तरीके से. और जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रेड साइड से मैंने पूरा काट लिया उसको. मैंने 6 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लिए थे. अब हम इस ब्रेड को ग्राइंड करेंगे अच्छे से ताकि इसका चूरा बन जाए. और ये देखिए ब्रेड अच्छे से ग्राइंड हो चुका है. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पुडिंग बनाना. तो पुडिंग बनाने के लिए आप सबसे पहले एल्युमिनियम या स्टील का बर्तन ले सकते हैं. मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम का बर्तन लिया है. अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच चीनी और 4 चम्मच पानी. अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और जब तक कि ये ब्राउन कलर का ना हो जाए. बेसिकली हम इसे कैरमलाइज कर रहे हैं और आप इसे बार बार ऐसे मिक्स करते रहिएगा नहीं तो ये नीचे लग जाएगा. दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं ये चीनी का कलर पूरा ब्राउन हो चुका है, चीनी पूरा कैरमलाइज हो चुका है. हम इसे साइड रख देंगे. अब हम हमारा मिक्सचर रेडी करेंगे. उसके लिए मैंने सबसे पहले एक दूसरे बर्तन में दूध ले लिया है. इसमें मैं अब चीनी डाल दूंगी. तो दोस्तों अब हमें ये चीनी और दूध को अच्छे से मिला लेना है. और जैसे कि आप देख सकते हैं ये मिल गया है. तो हम इसमें अब ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर. दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप कस्टर्ड पाउडर एक साथ बिल्कुल मत मिलाइएगा. थोड़े थोड़े करके ऐसे डालेंगे और आपको ऐसे मिलाना पड़ेगा. और जैसे कि आप जानते हैं कस्टर्ड पाउडर ऐड करने से ये बिल्कुल लम्स हो जाता है, तो आपको ऐसे मिलाना पड़ता है. फिर हम दोबारा से एक और डालेंगे. हमें सारे लम्स को हटाने हैं. कस्टर्ड पाउडर जो है ये बिल्कुल दूध में मिल जाना चाहिए. और इसे हम धीमे आंच में इसे इस तरीके से लाते रहेंगे. कस्टर्ड पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है. अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर और इसे अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे ताकि बिल्कुल भी लम्स ना रहे. हमें दोस्तों इसे तब तक पकाना है जब तक ये दूध गाढ़ा ना हो जाए. और जैसे कि आप देख सकते हैं ये दूध बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है. हम गैस को ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे. दोस्तों बिल्कुल याद से ये करना ही है, हमें गैस ऑफ करना ही है ब्रेड क्रम्स ऐड करने के पहले. और इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऐड कीजिए और फिर अच्छे तरीके से मिला लीजिए बिल्कुल इस तरीके से. थोड़ा और डालिए. इसको अच्छे तरीके से मिला लीजिए. अब दोस्तों आप देख रहे हैं ये मिक्सचर बहुत अच्छे से मिल चुका है. हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच घी. अब दोस्तों हमारा ये मिक्सचर पूरी तरीके से रेडी है. हम इसको कैरमलाइज्ड शुगर जो था उसके ऊपर डालेंगे जिसमें हमें पुडिंग बनाना है. अब इसमें हम हमारा
पुडिंग का मिक्सचर डाल दूंगी। देखिए दोस्तों, मेरा ये मिक्सचर पूरा रेडी है और मैं इसे अब स्टीम दूंगी। और स्टीम देने के लिए मैंने सबसे पहले मेरे प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी ले लिया है और उसके ऊपर एक स्टैंड है, तो उस स्टैंड के ऊपर हम इस बर्तन को डाल देंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैं इस कुकर के ऊपर एकदम सीधे से इसको बिठा दूंगी और इसको मीडियम आंच में पकने दूंगी 30 से 35 मिनट तक। कुकर का लिड हमने बंद कर लिया है और उसका विसल याद से हमें निकाल लेना है और 15-20 मिनट के बाद हमें चेक करना है कि इसके नीचे जो हमने पानी डाले थे वो पानी कहीं सूख ना गया हो। इससे हमारा बर्तन जो है जलने से बच जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं नाइफ में ये स्टिक हो रहा है, तो हम इसे फिर से ढक देंगे और कुक होने देंगे एक और 15 से 20 मिनट। 35 मिनट हो गए हैं, पुडिंग पूरा रेडी है। हम इसे निकाल देंगे और इसे ठंडा करने के लिए थोड़ी देर तक रख देंगे। ये ठंडा हो चुका है, हम इसको साइड से इस तरीके से ऐसे चाकू से कर लेंगे ताकि ये निकलते वक्त ज़्यादा मुश्किल ना हो। और अब ध्यान से देखिए हम इसको निकालेंगे कैसे। हम इसके ऊपर ये रख देंगे और फिर इसको उलाट लेंगे और हम इसको थोड़ा टैप करेंगे ताकि ये निकल जाए। वाओ दोस्तों, अब ये देखिए कितने अच्छे से निकल गया है और ये बहुत टेस्टी लग रहा है। हम अब इसको काटेंगे पीसेस में। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पुडिंग बन गया है। मैंने काट के स्लाइसेस रख दिए हैं प्लेट पे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।